कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, छोटी दीपावली आदि नामों से जाना जाता है। दीपावली से एक दिन पहले पड़ने वाली इस चतुर्दशी को भी दीप जलाए जाते हैं। इस दिन के विषय में बहुत सी कथाओं की मान्यता भी है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने दुराचारी नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। पौराणिक मान्यता यह भी है कि राम द्वारा 14 वर्ष वनवास पूरा कर अयोध्या लौटने की खुशी में इसी दिन दीप जले थे। आज ही के दिन सायंकाल मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। इस कारण से इस चतुर्दशी को हनुमत जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में नरक चतुर्दशी के संबंध में सभी पौराणिक कथाओं मान्यताओं के साथ साथ इस दिन क्या करें क्या न करें आदि तमाम उपयोगी जानकारी लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह ज्ञानोपयोगी वीडियो लेकर आते रहते हैं। उन मित्रों से विशेष प्रार्थना है जो वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वे कृपया ऐसा न करें। आपके इस सहयोग से हमें आत्मबल प्राप्त होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें। आइए अत्यंत उपयोगी जानकारी से भरपूर इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी पड़ने के पीछे मान्यता यह है कि इस दिन भगवान कृष्णचंद्र ने नरकासुर नामक आतताई का संहार किया था और उसके बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध किया था। बंधन से मुक्त होने पर भगवान कृष्ण ने उन कन्याओं को उनके माता पिता के पास भेजना चाहा, परंतु उन सभी ने भगवान कृष्ण का प्रस्ताव अस्वीकार करके उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। नरकासुर के अत्याचार से समस्त ब्रह्मांड त्रस्त था। उसके अंत की खुशी में कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को देवताओं एवं संतों ने दीप जलाया था। इस दिन यमराज के लिए भी चतुर्मुख दीपक जलाने का विधान है। कपूर से होने वाले 7 चमत्कारी उपाय से संबंधित हमारी वीडियो आई बटन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना न भूलें। अद्भुत वीडियो है, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। दूसरी कथा के विषय में जानते हैं। पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा रंतिदेव ने जीवन भर कोई पाप नहीं किया था, परंतु जब उनके मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उनके सम्मुख आ खड़े हुए और उन्हें नरक ले जाने को उद्यत हुए। दूतों को देखकर राजा ने अचंभित होकर कहा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, परंतु मुझे किस कारण नरक यात्रा करनी पड़ेगी। यमदूत ने उन्हें बताया कि राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। राजा ने यमदूतों से वर्ष पर्यंत का समय मांगा और अपनी मुक्ति का उपाय ऋषियों से पूछा। ऋषियों ने उन्हें कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का व्रत एवं ब्राह्मण भोजन करवाने के लिए कहा। राजा ने ठीक वैसा ही किया, जिसके प्रभाव से उन्हें विष्णुलोक प्राप्त हुआ। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन पाप और नरक से मुक्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन को कुछ स्थानों पर रूप चौदस के नाम से भी मनाया जाता है, जिसके विषय में मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शरीर में तेल लगाकर पानी में चिचड़े की पत्ती को डालकर नहाने से एवं भगवान विष्णु तथा उनके अवतार कृष्ण की पूजा एवं दर्शन से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की सिद्धि कैसे करें, इसके संबंध में अत्यंत दुर्लभ 8 उपायों से परिपूर्ण हमारी वीडियो आई बटन में जाकर अवश्य देखें। छोटे छोटे महत्वपूर्ण टोटके उसमें दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए तीसरी कथा सुनते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य के
आशीर्वाद से सोने के बने हुए सुमेरु पर्वत पर राजा केसरी का राज्य था। उनकी अतीव सुंदर एवं सुशील पत्नी का नाम अंजना था। एक बार भगवती अंजना ने स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए और पुत्र की कामना से अपनी पूजा में व्यस्त हो गईं। उसी समय पवन देव ने उनके कर्ण रंध्र में प्रवेश करके उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ पूरे विश्व के द्वारा पूजित महाबली पुत्र उत्पन्न होगा। और ऐसा हुआ भी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को सायंकाल मेष लग्न में भगवान महाबली हनुमान जी उत्पन्न हुए। आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्याम भौमे चतुर्दशी मेष लग्ने अंजना गर्भात स्वयं जातो हर शिवः। शुक्ल पक्ष से मास गणना विधि से कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति नक्षत्र मेष लग्न में सायंकाल भगवती अंजना के गर्भ से स्वयं भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। इसीलिए हनुमान जी को शिव के ग्रहवें रुद्र के रूप में जाना जाता है। उत्पन्न होने के दो प्रहर बाद ही उन्हें भूख लग गई और माता अंजना फल लाने के लिए चली गई। हनुमान जी ने लाल रंग के सूर्य को देखकर उन्हें ही फल समझकर उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ उड़ चले। दूसरे दिन अमावस्या लग जाने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी वहां आया था, किंतु वह सूर्य को पा नहीं सका। हनुमान जी ने सूर्य का भक्षण कर लिया। यह देखकर राहु डरबस वहां से भाग गया। चारों तरफ अंधकार और हाहाकार व्याप्त हो गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र का प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा और उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, इसीलिए वे हनुमान कहलाए। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। तब पवन देव ने इस सृष्टि से प्राण वायु का संचार रोक दिया, जिससे पूरी सृष्टि तड़पने लगी। ऐसा देखकर सभी देवताओं ने हनुमान जी को वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी से चिरंजीवी का वर, इंद्र ने वज्र से हत न होने का वर, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त तथा संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ होने का वर, वरुण ने पास और जल से अभय होने का वर, यम ने यमदंड से अवध्य, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निश्चिंत रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजेय योद्धाओं से विजय प्राप्त करने का, विश्वकर्मा ने दानवमय से बनाए समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित होने का वर उन्हें प्रदान किया। इस तरह हनुमान जी अमित बल पराक्रम ज्ञान के स्वामी हो गए। शनि पीड़ा, ग्रह पीड़ा, राहु आदि पीड़ा से पीड़ित मनुष्यों को आज के दिन पीला सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पण करना चाहिए। पीपल वृक्ष में दीपदान, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि के पाठ से ग्रह पीड़ा से मुक्त हो बल बुद्धि और विद्या प्राप्त की जा सकती है। बोलिए हनुमान जी की जय। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त करें। अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दीपावली पूजा, महाकाली पूजा से संबंधित वीडियो शीघ्र ही लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय विश्वनाथ।